गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी सुबह सुबह निकल रहा हूँ मैं अपने काम पे, हलेव जा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ काम है, रसोई बनानी है, जल्दी जल्दी की रसोई बननी है। मतलब कि ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ बनेगा, वहाँ पे बनेगी पूरी रसोई, लेकिन वो ब्रेकफास्ट ही बनेगी। वहाँ पर वार्षिक श्राद्ध है और कई जगह पर ऐसा होता है कि वार्षिक श्राद्ध को बहुत ही जल्दी बनाया जाता है, बहुत ही जल्दी बनाया जाता है। अलेओ में भी वैसा ही है कुछ। तो मैं फटाफट आया हूँ और अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जल्द से जल्द मुझे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टाइम मिला था 6 बजे का और 6:30 मुझे घर में ही हो गया। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, मिलते हैं आपसे अब अलेओ पहुँच के। अलेओ तो पहुँच गया हूँ गाइस। पुराने पुराने घर देखिए, कितने बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मेरा काम शुरू हो गया है काफ़ी जल्दी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाना था और बना के एकदम से मैं फ्री हो गया। यहाँ गेट देखिए कितना बढ़िया लगा है मेरे पीछे, नेचुरल पत्थर का, फर्स्ट क्लास पत्थर का ये बिल्कुल। और ऐसे ऐसे घर आजकल देखने को कम ही मिलते हैं, जाइंट बड़े बड़े पुराने घर। मुझे लगता है यहाँ पर कोई देवी देवता का स्थान भी है इस घर में, तभी बचे हैं ऐसे घर, वरना कंक्रीट ने हर जगह जगह ले ली है। यहाँ भी एक पुराना घर है, बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। तो मैं तो फ्री हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट बनाया मैंने खुद, तो मेरे लिए रोटी बनी थी अंदर, मैंने खा लिया। और अभी टाइम हो चुका है लगभग 1:30 शायद, और मैं फ्री हो चुका हूँ। मेरी बाइक दिख नहीं रही कहीं, टाइम ओवर हो गया। तो अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ सीधा, जल्दी जाते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। जल्दी फ्री होने का इतना एक फ़ायदा हो जाता है कि घर जल्दी पहुँचो, और अब दिन भर सोऊंगा। वशिष्ठ में काफ़ी चहल पहल है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं आजकल। गुन्नू को जल्दी कर, भूख लगी। डिड्डू जा रही है, डिड्डू डिड्डू का है ए सागी से मुंह तो ठीक है ए अंडा ए टिगली अंडा टिचू ले ओई जाता खाली पा तो सा वहां पे तब ए ओ सन अंडा जाऊं मैं। ठीक इधर कहाँ तू रही है ये बादल छाए हैं और कुल्लू की तरफ थोड़ा सा मौसम साफ है और अंधेरा होने को है। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है गाइस, बहुत ठंडा हो गया है। मैं भी जैकेट पहन के, यहाँ पड़ोस में कुछ काम चला हुआ है इसलिए कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही, ड्रिल की आवाज़ आ रही है, जैसे अरे क्या भयंकर आवाज़ आ रही है। 2 बजे के करीब मैं घर पहुँचा था,
और उसके बाद 2:30-3 बजे के बाद मैं सो गया था, और अभी 5 बजे जाके उठा हूँ। अभी तो टाइम 6 हो गया है, थोड़ी देर घूम फिर रहा था, अभी तक इवा को घुमा रहा था, उसने पॉटी कर ली थी, फिर उठना पड़ता है ना ऐसा है। अभी 6 बजने को है और बाहर अंधेरा होने को है और ठंड काफ़ी ज़ोरों से पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कल या परसों अगर टाइम लगता है तो मैं तंदूर लगा दूँ यहाँ पे। ये ऊपर देखिए, यहाँ पर होल भी रखा है तंदूर की पाइप के लिए सीधा ऊपर, और यहीं पर लगाते हैं हम लोग तंदूर, यहाँ बैठ के आराम से टीवी देखते हैं मज़ेदार तरीके से। तो वो अभी देखते हैं, कल परसों तक मैं तंदूर लगा दूँगा। अभी जैसा रहा, तंदूर की जो पुरानी पाइपें हैं वो ज़रा ख़त्म हो गई है, जंग लग गया उनमें, तो नई लेके आएंगे और फिर लगाएंगे बढ़िया तरह से। गुन्नू और उसकी मम्मी नहा के आए अभी शाम को, सुबह तो नहाते नहीं हैं। देख तो गुन्नू सुबह नहाया कर ना यार, सुबह नहाया कर, स्कूल जाता है हुआ सुबह, जल्दी नहीं उठा जाता ठंडा। ओ पीले पीले अमर राजा, पीले पीले पीने नहीं पीनी मर जानी रंग दर रंग बबरों को इतने कड़पों को हो रंगना लबना ए दिन सन सोया आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। पीछे से लाइट आ रही होगी पीछे लाइट चली हुई आज बहुत बढ़िया वाली। ओके बाय।